हम अपना एथी कार्रवाई कर दिए, हम 10 मिनट तक से इंतजार किए, वो नहीं ठीक होंगे, हम बक्सर का रेफर कर देते हैं। कल गुरुवार की रात की ये बात है। हाँ, कल का बात है। तो हम बोले कि सर नहीं। कबो चिकित्सक कहता रहे कि छाला के दवाई खइला से रिएक्शन भइल बा, ऐसे मर गइल। कबो कहता रहे कि टीबी के पेशेंट ह, ऐसे मर गइल। मौत के आंकड़ा में इजाफा हो रहल बटुए। डायरिया फैला के बाद ई तीसरा मौत ह, जवाबदेही लेवे खातिर केहू तैयार नहीं खे। जी हाँ, बक्सर जिला के डुमराव अनुमंडल में ऐसन तांडव मचल बा जेकरा के देख के दिमाग सिहर जाए। बनकट आ महरौरा में डायरिया जानलेवा बन गई बटुए। बीएफए के देर रात डायरिया से ग्रसित एगो 66 बरिस व्यक्ति के मौत हो गई। ओकर मौत डायरिया से ही भइल बा या फिर अन्य कारण से, ई गुत्थी अनसुलझा पहेली बनल बटुए। अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर गिरीश कुमार सिंह के कहना बा कि उनका मुंह में छाला के बाद दिहल गई दवाई के इन्फेक्शन से भइल बा, लेकिन परियन कह रहल बाड़न कि मुँह वाला डायरिया से ग्रसित रहन, वही से इनकर मौत भइल बा। डायरिया के प्रकोप के बाद ई तीसरा मौत है, लेकिन जिम्मेवार आपन जिम्मेवारी लेवे के तैयार नहीं खे। यह मौत के कारण का बटुए, दबे जुबान से स्वास्थ्य महकमा में भी यह मौत के कारण के चर्चा जारी बा, लेकिन जवाबदेही लेवे के केहू तैयार नहीं के। बहरहाल अब भगवान भरोसे ही व्यवस्था बटुए। बनकट आ महरौरा गांव के जमीनी हकीकत का बा, ई दृश्य ही बता रहल बा। जहां एम्बुलेंस के जगह ठेला पो मरीज लदल नजर आ रहल बाड़न। बीएफए के रात मृत श्याम लाल राजभर पिता स्वर्गीय जगनारायण राजभर के भाई के मेहरारू राधिका देवी बतैली कि वो डायरिया से ग्रसित रही, पहले से अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती रही। स्थिति बिगड़ल तो सदर अस्पताल पहुँचल लोग, वही इलाज भइल, ठीक भी भइल। अचानक बीएफए के सांझी खा पुनः तबियत खराब भइल। डिहाइड्रेशन के कारण पूरा रास्ता उ शौच आ उल्टी करत रही। अस्पताल पहुँचते डॉक्टर रेफर कर दिले। ऐसने सेम घटना एह मृतक के साथे भइल बा श्याम लाल राजभर के साथे। उल्टी करत रहन आ बक्सर ले जाए के दौरान उनकर जान चल गई। परियन कहलन कि एमे कहाँ संदेह बा कि इनकर मौत डायरिया से नहीं के भइल। वही जे उपाधीक्षक डॉक्टर गिरीश कुमार कहनी कि उनका मुँह में छाला भइल रहे, परियन बीकोसूल सहित अन्य दवाई खिला देलन जौना से रिएक्शन हो गई। स्थानीय ग्रामीण का कहता रहन एहिजा स्थिति दयनीय बा, हमारा घर के 3 से 4 लोग अस्पताल में भर्ती रहे। ग्रामीण बतावता एक जना के मौत हो गई, एगो महिला आरती देवी पति उपेंद्र राय के स्थिति खराब बा, ठेला पर उनका के अस्पताल ले जाई जात रहे, लेकिन डॉक्टर एम्बुलेंस कहाँ मंगोइले। अब भगवान भरोसे ही सब कुछ चल रहल बा। स्वास्थ्य विभाग के लोग आइल रहन, आज फिर आइल बड़न, कहत तो बाड़े कि स्थिति में सुधार हो रहल बा, लेकिन कोनो सुधार नहीं खे। पहले तबियत खराब रहे, अब लोग मरे लागल, एकर जवाबदेही भी केहू लेवे के तैयार नहीं खे। हॉस्पिटल से इलाज कराकर लौट लोग भी रिकवर नहीं खन हो पावत, अब हमनी के डर लागता। राधिका देवी ग्रामीण बाड़ी उ बतावतारी, उ कहतारी कि हमनी के घर से बहुत कम निकलता नहीं जाए। ओहिजे हिजा के वार्ड पार्षद वार्ड 16 अनिल कुमार राय कहतारन कि स्वास्थ्य विभाग के मॉनिटरिंग तो बा, लेकिन जौन व्यवस्था होके के चाही उ नहीं खे। एक बार भी सिविल सर्जन ना पहुँचलन। आयुष चिकित्सक के भरोसे 2 गांव के हजारों लोग के छोड़ दिहल गई बा। पीएचसी के द्वारा लोग के घर में दवाई और वितरण कइल जाता, जैसे कि पेट मुंह दोनों चलत रहे। तो पेट मुंह चलत रहे, फर्स्ट तो हमनी के मंडल ब्लॉक लेके गई नहीं जा,
तो अनुमंडल ब्लॉक में मतलब इलाज भइल तो सर वहाँ से रेफर कर देनी बक्सर। तो बक्सर में हम लोग गए तो वहाँ से सुई दवाई करके हमको डॉक्टर साहब बोल दिए कि ले जाओ ठीक है, ठीक हो गया है। वो ठीक नहीं हुए थे अनुमंडल, फिर वहाँ से हम लोग आए, फिर हम लोग का एम्बुलेंस का सहारा मिला तो फिर हम लोग इस ब्लॉक में गए। तो इस ब्लॉक में गए तो गेट के बाहर जो शीशा लगा हुआ है वहाँ पर लैट्रिन उल्टी करके भरे हुए थे। तो फिर हम लोग वहाँ से सर बोले कि आप लोग घर जाइए लेकर के, तो हम लोग घर लेके आए। तो घर लेके आए तो मतलब परसों लेके आए आ कल ठीक थे और रात को एकदम शाम होते होते में पूरा मतलब उनका पोजीशन खराब होने लगा। कल शाम हाँ, उल्टी भी होने लगा, लैट्रिन भी होने लगा, तब हम लोग हाफी भी बढ़ गया उसी में, मुंह से पूरा एथी आने लगा, तब हम लोग फिर लेके गए अनिल बाबू से मदद मांगे और हम लोग एम्बुलेंस को मदद लिए, यहाँ से एम्बुलेंस में उठाए और यहाँ से हम लोग फिर अनुमंडल लेके गए। तो अनुमंडल में सर बोले कि देखिए हो सकता है, अब भगवान भरोसे हैं, हम अपना एथी कार्रवाई कर दिए, हम 10 मिनट तक से इंतजार किए, वो नहीं ठीक होंगे, हम बक्सर का रेफर कर देते हैं। कल गुरुवार की रात की ये बात है। हाँ, कल का बात है। तो हम बोले कि सर नहीं, हम लोग का एक ही बार पटना को रेफर कर दीजिए सर, कहे कि हम लोग एक बार वहाँ से घूम चुके हैं, वहाँ हम लोग के मतलब बोल दिए कि जाओ तुम लोग, ठीक हो गया है, लेकिन वो ठीक नहीं थे सर। अच्छा, अनुमंडलीय अस्पताल के स्वास्थ्य महकमा यह कह रहा है कि उनकी मौत हुई है कोई दवा खाने से, कोई गलत दवा खा लिए हैं जिसके रिएक्शन से उनकी मौत हुई है। तो वो सुनिए सर, उनका मुंह में जो छाला पड़ा था तो मतलब जो नीना होता है ना, तो नीना को दवाई हम लोग डाले हैं उनका मुंह में। वो बोल रहे हैं कि उसी दवा के रिएक्शन से उनकी मौत? नहीं सर, वो हम लोग नीना की दवाई मानते हैं, बच्चा को निकलता है तो बड़ा बड़ा डॉक्टर, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग बड़ा डॉक्टर के पास नहीं ना जा सकते हैं सर, छोटा मोटा बात के लिए हम लोग अपना मेडिकल सुमन से ली आए और वही उनका जीभ में लगा दिए। वो पहले ठीक थे, वही किस चीज से मौत हुई है उनकी? उनकी डायरिया से मौत हुई है सर। ठीक है, क्या परिचय है आपका? मेरा हमारा उजेठा है, हमारा नाम है राधिका देवी। उनका क्या नाम है? उनका श्यामलाल राय नाम है। ठीक। महरौरा और बनकट में डायरिया फैला है दोनों जगह, दोनों जगह के आप वार्ड पार्षद हैं, क्या कहना चाहिएगा वस्तु स्थिति पर? अभी तक डायरिया का प्रकोप पूरे देश भर में फैल गया है कि बनकट एक ऐसा गांव है जहां पर 85 लोग पीड़ित हो गए और यहां के जो अनुमंडल पदाधिकारी है वो खाली अपना छोटा मोटा कैंप लगा करके अपना कोरम पूरा कर रहे हैं और कोई उच्च स्तरीय जांच के लिए नहीं कोई भेजा गया और न ही यहाँ कोई उच्च स्तर से छिड़काव हो रहा है और कोई मतलब सफाई नहीं हो रहा है, बस खाली कोरम पूरा कर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य महकमा कह रहा है कि लगातार हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। नज़र तो ऊपर ऊपर सब बनाया है, जमीनी स्तर से तो कोई नहीं बना रहा है। अभी तक हम देख रहे हैं कि पानी वहीं हम पी रहे हैं जिस वजह से डायरिया फैला है। क्या कारण मानते हैं आप डायरिया के फैलने का? डायरिया का गंदगी है, गंदगी की सफाई नहीं हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे स्कूल के बगल में इतना गंदा है कि वहाँ पर कम से कम 114 लड़का का एडमिशन है और उसमें से 10-15 लड़का इस बीमारी में आ गया है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार राय हुआ, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 16।